नमस्कार, जय जनिन दोस्तों, मैं ललित सरावगी जैन कोलकाता में हूँ। आज पति पत्नी का एक ऐसा जोड़ा हमारे साथ है जिन्होंने मिलकर न जाने कितने काम किए, और उनका नाम है श्री संतोष सेठी जैन और श्रीमती ललिता जैन। संतोष जी, ललिता जी, आप दोनों का स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र ललित जी। संतोष जी, 21 साल की उम्र में तो लोग बीकॉम पास करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, वो भी देश में आपने 15वां स्थान लाया। वहाँ से लेकर अभी तक आपकी जर्नी क्या रही? 1975 से 1992 तक सीए प्रोफेशन में एक्टिवली एसोसिएटेड रहा। उसके बाद हमने एक मर्चेंट बैंकिंग कंपनी की और 1992 से 2000 तक हमने K1 के रूप में पूरे देश में कई कॉरपोरेट्स के साथ में कार्य किया। 2000 में हमने एक नई सोच के साथ एक धार्मिक चैनल आस्था, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ये प्रारंभ किया। हमारे किरीट भाई मेहता हमारे फ्रेंड है बॉम्बे में, उनके साथ में, और इसके बाद में हम लोग मैं डाइवर्सिफाई किया हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में, स्टॉक मार्केट में, कॉर्पोरेट फंडिंग में, रियल इस्टेट में, कई क्षेत्रों में हमने कार्य आरंभ किया। आपने रोटी ऑन व्हील शुरू किया, आपने एजुकेशन ऑन व्हील शुरू किया, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो अलायंस फ्रेटर्निटी को, आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट इन 1985, कलकत्ते के हिंदुस्तान क्लब के प्रेसिडेंट के रूप में मैं 94 में निर्वाचित हुआ। उनका ये परिणाम रहा कि नई नई सोच मन में आती रही। रोटी ऑन व्हील अपने आप में एक नया कंसेप्ट है, इसमें एक व्हीकल पूरी क्यूड रहती है जिसमें सब रोटी बनाने की मशीन लगी रहती है, और हम करीब एक घंटे में 800 से ज़्यादा फलके बना लेते हैं। संतोष ललिता जैन फाउंडेशन में 3 व्हीकल है। इसके अंतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों में जाकर हर व्हीकल के माध्यम से हम करीब 700 से 800 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराते हैं। सम्मेद सिकर जी के आसपास में एजुकेशन ऑन व्हील के माध्यम से हमारी बसें विभिन्न ग्रामों में जाती है। प्रतिदिन हम 5 से 6 गाँव कवर करते हैं, और हमने IIT बॉम्बे से करिकुलम लिया है, और बच्चे ऑनलाइन IIT बॉम्बे का एग्जाम देते हैं। आपने एक अनोखा निर्माण किया है, सिद्धा यतन, ये परिकल्पना आपके मन में कैसे आई? शाश्वत समेत सिकर जी से मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा। 2001 से मैं तेरेपंथी कोटी का महामंत्री भी रहा, गुणायतन का प्रथम अध्यक्ष भी रहा। मुझे ऐसा लगा कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए समेत सिकर में एक अत्याधुनिक सुविधाओं की अति आवश्यकता है, जिससे हम अध्यात्म के साथ ये सुविधा यदि दें तो लोगों का जुड़ाव समय सिकंद से काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए सिद्धायतन परिसर में जो करीब 1,70,000 स्क्वायर फीट का 170 अपार्टमेंट का बना है, यहाँ एक कलकत्ते में 30 बेडेड डायलिसिस हॉस्पिटल बनी है हमारे लायंस क्लब टॉलीगंज के अंतर्गत, जिसका कई बरसों से मैं ही चेयरमैन हूँ। कलकत्ते में जैन समाज की एक काफ़ी मॉडर्न गौशाला भी बनी हुई है, जो मेरे देखरेख में हमारे कई जैन भाइयों के निर्देशन में, जिसका बहुत सुंदर रूप से रख रखाव हो रहा है। पर लाडनू में हमने एक खंडर गवर्नमेंट स्कूल का नव निर्माण किया, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने हमें भामाशाह एवार्ड से सुशोभित किया। ललिता जी, पूरे विश्व में भक्तामर्जी स्त्रोत की एक महिमा अचानक से बहुत बढ़ गई, इसका एक श्रेय मैं आपको भी दूंगा, तो यह कंसेप्ट आपके मन में कैसे आया? 2015 में जब सिद्धायतन शुरू हुआ, मोक्ष सप्तमी के दिन पहला वर्कशॉप कराया जिसमें 1,000 से भी अधिक आदमी उपस्थित थे। लोगों को इतना अधिक पसंद आया भक्तामर की प्रभावना को देखते हुए कि तुरंत फिर हमको 2 महीने बाद में दूसरा वर्कशॉप चलाना पड़ा। और अभी कोरोना पीरियड में जब हम जूम, जो 3-3 जूम सिद्धायतन से चलते हैं, 1,000 आदमी 10-10 मिनट में फुल हो जाता था जूम, ऐसा भी समय आया।
संतोष जी, ललिता जी, आज जैन रत्न में आप लोग को शामिल करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग जैन रत्न का हिस्सा बने, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ जिंदगी ऐसे ऐसे लोगों को जब सामने लाते हैं तो उसको देख के दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं कि जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। तो वहाँ जिंदगी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।